हे गाइस, आई एम दक्ष खंडेलवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड शेफ के बारे में। तो कोड शेफ, जिनको नहीं पता, वो एक वेबसाइट है जिसमें आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो कोड शेफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स है। उसमें और भी वेबसाइट्स है, जैसे कि कोड फोर्सेज हो गया, कोड शेफ, कोड फोर्सेज, हैकर रैंक, हैकर अर्थ। तो हैकर रैंक, हैकर अर्थ तो बेसिक बिगनर्स के लिए मतलब ठीक ठाक है, हैकर रैंक, हैकर अर्थ। और कोड शेफ और कोड फोर्सेस का मतलब अलग ही लेवल होता है। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ और मैंने अभी अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे बहुत ही लेट स्टार्ट करी है। मैं भी मानता हूँ ये बात, बहुत ही लेट स्टार्ट करी, पर ठीक है। अब तो पहले कोड शेफ के बारे में जान लेते हैं कि कोड शेफ की ऑफिशियल वेबसाइट है codeshef.com। तो इसमें हर महीने 3 प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन होते हैं। जैसे अभी अगस्त में हुआ था, अगस्त कुक ऑफ चैलेंज, अगस्त लंच टाइम चैलेंज और अगस्त चैलेंज। तो तीनों अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला चैलेंज होता है लॉन्ग टर्म चैलेंज। तो अभी अगस्त वाला हुआ था 7 अगस्त से 17 अगस्त तक। तो और अभी कुक ऑफ होगा 23 अगस्त को 9:30 से 12:30 बजे। और फिर कुक ऑफ हो गया और लंच टाइम फिर लास्ट में एंड में होता है मंथ के, और ये 11 दिन बाद होगा। हाँ, तो ये 3 मेन कॉम्पिटिशन होते हैं। अब जो बिगनर्स है कोड शेफ में, तो वो पहले प्रैक्टिस एंड लर्निंग से शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो सर्च प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर डिफिकल्टी लेवल मैं बता देता हूँ। तो इसमें अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स होती है। जैसे बिगनर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, शेफ एंड लीनर चेस, शेफ बोर्ड, विनिंग स्ट्रेटेजी, डॉकिंग, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसमें। तो आप जितनी प्रैक्टिस जितनी करना चाहो उतनी कर सकते हो। फिर आते इजी में भी देख सकते हो, फिर मीडियम, हार्ड, चैलेंज। तो जितनी प्रैक्टिस करनी आप कर सकते हैं। तो कोड शेफ में रेटिंग का सिस्टम भी होता है। जैसे अगर आप अभी अभी जैसे लॉग इन कर साइन इन करते हो कोड शेफ में, तो आप अभी 2-स्टार कोडर होते हो जो साइन इन करते हो। और अगर आप डंकी कोडिंग कर रहे हो तो आपके स्टार बढ़ते रहते 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम होता है। और ये कम भी हो सकता है, 2-स्टार से 1-स्टार भी आ सकते हो अगर आप ढंग से नहीं कर रहे हो। तो कर लेते हैं मेरी प्रोफाइल के बारे में। मैंने कोड शेफ स्टार्ट करा था अप्रैल 2020 में। तो अप्रैल में मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। फिर मैंने मई में ट्राई करा, मई में भी मेरे से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। फिर मैंने सक्सेसफुली जून में अपना पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जून में। जुलाई में 3 क्वेश्चन और अगस्त में भी 3 ही हुए थे। वैसे कोशिश तो ज़्यादा की रहती है। मैं अभी 1-स्टार कोडर था तो अगस्त चैलेंज के बाद अभी 2-स्टार हो गया हूँ। ये है मेरी लॉन्ग चैलेंज की प्रोफाइल। पार्टिसिपेट नहीं करा। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स से शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है जिसमें आप कोड करने वाले हो। और डेटा स्ट्रक्चर आता है तो और भी अच्छी बात है। सबसे पहले codeshef.com पे आना है अपन को। और चैलेंज चल रहा हो तो यहाँ पे चैलेंज आएगा, अगस्त चैलेंज पे क्लिक करना है आपको। तो अगर आप बिगनर हो तो आपकी रेटिंग होगी 1400। तो आप यहाँ डिवीजन 2 में इधर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे डिवीजन 2 में जाओगे तो आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगी। तो जितने आप कर लोगे उस पर ग्रीन टिक आ जाएगा और जो आपने अटेम्प्ट करा होगा उस पर रॉन्ग टिक आएगा। तो मेरी अगस्त वाली की रैंकिंग है ये 15,869। तो हर एक क्वेश्चन का 100 पॉइंट्स होते हैं और कुछ क्वेश्चन में सब पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे इसमें 20 पॉइंट्स और 80 पॉइंट्स अगर इसके लिए कर लिया। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।